मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। चलो क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ N2 प्लस O2 गैस टेंड्स टू गेट ट्वाइस ऑफ N2। वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। इफ द रिएक्शन ऑफ ये जो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। क्वेश्चन नंबर 46 बोला रेट क्या है के NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और O2 के रिस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ओवरऑल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस किया गया हाफ से तो कंसंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा और 2 का पावर 3 मतलब 8 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरा इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का फॉर रिएक्शन ए प्लस बी टेंड्स टू सी प्लस डी द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल Without altering of B and rate doubles, ठीक है? क्या बोल रहा है 27 में change in rate, आपको लोग formula पता है, change in rate is equal to क्या होगा directly proportional to change in concentration का power n। ये होता था rate क्या हो रहा है, A का concentration को double कर रहा है तो rate double हो रहा है, ठीक है rate double, तो rate double हो रहा है without concentration 2 का power A का x। मानो ए का रिस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर एक्स माना, ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, रेट कंसंट्रेशन बी का इंक्रीज कर रहा 9 टाइम्स, ठीक है बट विदाउट अल्टरिंग द बी और रेट ट्रिपलेट्स हो रहा है, तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू बी मैं मान लेता हूं वाई और 9 टाइम्स को वाई कर दे रहा हूं मैं, ठीक है तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 2y, ठीक है तो कंपैरिजन तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना जो 1 × 1/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 28, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन सर्टेन रिएक्शन इज डबल द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डबल। अच्छा कंसंट्रेशन डबल करने से ये डबल हो रहा, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ये तो हाफ लाइफ मेथड है। हाफ लाइफ मेथड आपको मैंने क्या बताया, t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1 माइनस n, ठीक है तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ टी हाफ है क्या बोल रहा है कि इफ इन अ सर्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन डबल द हाफ लाइफ ऑफ द डबल, ठीक है ये डबल होने से कब डबल करें, जब ट्वाइस ऑफ ए नॉट भी क्या हो रहा है मेरा डबल हो रहा है, तो रेशियो ले लो मैं इनका, तो रेशियो 1/2 और ए नॉट के पावर एन से कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू कितना 0, 1 minus n is equal to कितना हो जाएगा 1, तो n का n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का a हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन अ 50 मिनट्स 0.5 से 0.1 के इन वन सच डीकंपोजिशन, ठीक है 0.5 से 0.125 गया फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीज बोला है, तो कैसा होगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, ठीक है H2O2 कैसे होता है H2O plus half O2 कुछ इस तरीके से होता है, तो 0.5 से कहां चला, कहां गया है 0.125, ठीक है decreases to 0.2 in the 50 minute the concentration in the 50 minute the concentration किया होगा, तो इसका आधा t half में कितना गया होगा 0.25 और फिर इसका आधा करूंगा तो कितना चला गया 0.125, मतलब दो टाइम में ट्वाइस ऑफ टी टाइम ये यहां से यहां कितने मिनट में हो रहा है 50 मिनट में हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है 50 मिनट में हो रहा है, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मिनट हो जाएगी, कितनी मिनट हो जाएगी 25 मिनट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द H2O2 रीचेस 0.05 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बोल रहा है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.693 / 25, ठीक है तो रेट ऑफ द रिएक्शन H2O2 के रिस्पेक्ट में निकालो, रेट ऑफ द रिएक्शन H2O2 के रिस्पेक्ट में हाफ से क्या कर दो मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट योर आंसर, तो ठीक है तो ये इतना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, तो रेट ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा k ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, तो ये कितना हो जाएगा k की वैल्यू 0.693 / 25 * H2O2 का कंसंट्रेशन आपका कितना हो जाएगा, H2O2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.05 पे निकालना है ना आपको 0.05, तो 0.05 तो ये वैल्यू जो एप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने पर आती है 1.386 10^-3, ठीक है लेकिन उसने फॉर्मूला किसने बोला O2 का बोला, ठीक है रेट ऑफ O2, तो
रेट ऑफ O2 को मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ O2 को मैं लिखूंगा हाफ ऑफ रेट ऑफ H2O2। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हाफ ऑफ रेट ऑफ H2O2? ठीक है, क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, वो इक्वेशन आपने कर लिया होगा, तो 1/2 × 1.386 10^-3, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6.93 10^-4, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका ऑप्शन बी 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमने इनिशियल एक्सपेरिमेंट किया, इनिशियल रेट वाला। इन अनदर एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 एंड 1 मोलर विद रिस्पेक्ट टू एनवी एट 300 केल्विन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 50 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो पहले तो आपको जो ऊपर वाले गिवन डाटा है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन, गिवन डाटा से क्या काम करो, आप पहले निकाल लो रेट ऑफ बराबर क्या होगा, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, गिवन डाटा से, टेबुलर फॉर्म से। तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई की वैल्यू 0 आएगी, उसके लिए मैं टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहा। ठीक है, मुझे पता आपने कर लिया होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर आपके पास हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया आपके पास 1। इसका मतलब k बराबर क्या होगा, 1/T ln a0/at का फॉर्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि अगर मैं 0.5 एंड 0.1 मोलर से कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 0.5 ही मानोगे, और बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 50 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हां ठीक है ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा है आफ्टर 50 मिनट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ठीक है, आसान है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ओवरऑल ऑर्डर मुझे 1 पता चल गया, 1/50 मुझे निकालना है, मिनट है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ln ln a0 कितना था 0.5/80। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू मुझे हो जाएगी, अब देखो यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनिशियल रेट मेथड के वैल्यू में पुट करके। ठीक है, अब वो कैसे आप निकालोगे, वो आप वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 6.93 में डायरेक्ट लिख रहा हूं फिलहाल, जो गिवन टेबुलर फॉर्म है वहां से आप k की वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू आती है 6.93 10^-4, 6.93 10^-4 ऊपर के टेबल में किसी एक भी, क्योंकि आपको x y 0 पट गया, दोनों पुट करिए वैल्यू किसी भी, वहां से आप k की वैल्यू पता चल गई, k की वैल्यू पता चल गई, तो यहां से आपको a0/at मतलब 0.5/at का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने पर 7.92, तो मतलब 80 के वैल्यू जो आ रही है ये, तो ये हो जाएगी 0.063। ठीक है, 0.063। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है आपको, एकदम फिर रेट ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ नहीं, a0 पता है, 80 पता है, ये 0.063 उस टाइम पे। ठीक है, k की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, k की वैल्यू आपके लिए 6.93 10^-4, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है, ये आएगी 4.36 10^-5, 4.36 10^-5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स नंबर 31 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा था, तो पहले मैंने ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर के रिस्पांस के बाद मैंने 15 मिनट के बाद भैया कंसंट्रेशन कितना लो, क्योंकि 15 मिनट या किसी भी कंसंट्रेशन में फार्मूला क्या रहेगा, के ऑफ टी, क्योंकि ऑर्डर तो आपके पास यही है, तो आपको पहले उस टाइम पे कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन पता होने के लिए मैंने ये फार्मूला निकाल के पहले उस टाइम पे कंसंट्रेशन निकाला और डायरेक्ट के से मल्टीप्लाई करके मैंने रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लिया। आई बात समझ में, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिवाइड N2O5 एंड N2O4 हाफ ऑफ एट आफ्टर 15 द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस इज 9 mm एंड एट द एंड ऑफ द, देखो ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम बताई थी कि इस टाइप के जो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है जो कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब k इक्वल टू 1/T ln V इंफिनिटी माइनस V इंफिनिटी माइनस VT,
क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम यहाँ कभी नहीं लेंगे, के 1/15 हो गया, ln 35 फाइनल है, 35 माइनस 9, 15 पे 9 दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/15 ln 35 by 26, तो ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट है, ठीक है, 32 का ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, रिमार्क द 33 में कौन सा गलत स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पहला ए प्लस बी टेंस टू सी प्लस डी रिएक्शन दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, नहीं गलत है, देखो ये रिएक्शन जो है वो आपका आइसोथर्मिक रिएक्शन है, आइसोथर्मिक रिएक्शन में मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा इलॉजिकल ये चीज था ना कि शायद ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ क्या है, तो है तो ये एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, ठीक है, ए प्लस बी टेंस टू गिव सी प्लस डी, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इंक्रीजेस ऑन इनकरेक्ट, ये गलत दिया हुआ है, घटेगा, डी भी घटेगा सी भी घटेगा, और यूज ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी, ये भी गलत है, तो 2, 3, 4 गलत दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज, हां ये सही दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट सही, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बोलो सर, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा, देख लेते भैया, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोल रहा है, इन द फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट एन वेयर t1 इक्वल टू t2, अच्छा t1 बराबर t2 दिया हुआ है, a प्लस रिएजेंट k1 टेंस टू प्रोडक्ट दिया हुआ है, a प्लस रिएजेंट k2 टेंस टू प्रोडक्ट दिया, द रेशियो ऑफ k1 बाय k2 इफ 50% ऑफ b एंड 90% ऑफ a हैव बीन रिएक्टेड, ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि 34 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा क्वेश्चन था, इफ 50% ऑफ बी रिएक्टेड, अगर मेरा कुछ ऐसा होता था, लेट t1 टाइम पे ऐसा हुआ, 50% पे ऐसा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये था, लॉजिक समझना था आपको, तो k बराबर कितना होगा, 1/t1 ln of 100/50 k1, और इफ 94% ऑफ a रिएक्टेड, 94% ऑफ ए रिएक्टेड, तो K2 बराबर क्या होगा, 1/T2 ln 100/6, ठीक है, तो K1 क्योंकि T1 बराबर T2 है, तो ये मैं क्या K1/K2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ln 100/50 डिवाइडेड बाय ln 100/6, ठीक है, तो यहां से बस रेशियो ही तो निकालना था, तो मेरे हिसाब से रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, और ये वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, तो k2/k1 का वैल्यू आएगा, k2/k1 का वैल्यू जो आता था वो आ जाता है 0.30 डिवाइडेड बाय 1.2218, ठीक है, तो k1/k2 का ओरिजिनल वैल्यू होगा 4.06 आफ्टर कैलकुलेशन, तो दैट्स नथिंग बट ऑप्शन ए, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था बट नो इशू, क्वेश्चन नंबर 35 आई होप आपने कर लिया होगा, तो डायरेक्ट आंसर होगा 35 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द रेट कांस्टेंट दिस, ये भी अगेन आप, मैं सोच रहा हूं कि आपने कर लिया होगा, ऑप्शन डी क्लासरूम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो बोला है सी वर्सेस टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए इसे क्या होता है, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के टी,
तो उसने क्या बोला है, सी वर्सेस टी का, सी वर्सेस टी का, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी नॉट प्लस के टी, ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब के आपका स्लोप हो जाएगा इस केस में। तो ये जो होगा आंसर, चलो उल्टा कर देता, अच्छा सी नॉट माइनस सी टी होता है ना, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, ए नॉट माइनस ए टी बराबर होता है ना, तो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, तो ये इधर आ जाएगा, तो सी नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू सी टी, और सी वर्सेस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में माइनस के स्लोप होगा, ठीक है, तो पी का जो आंसर होगा 3, क्योंकि बात करते हैं लॉग सी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लॉग सी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस के बाय 2.303, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या आपने देखे हुए क्वेश्चन, जरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आर का क्या डीसी बाय डीटी वर्सेस सी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ही होता है क्योंकि रेट वर्सेस रेट आर इक्वल टू के होता है फॉर्मूला, डीसी बाय डीटी इज नथिंग बट रेट, आर इज इक्वल टू के, द दैट्स ऑब्वियस वाला, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, 3, 4, 2, और इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द आर्हेनियस इक्वेशन, अबाउट द आर्हेनियस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इफ ईए इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू ए, व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, देखो ईए इक्वल टू 0 तो के ए के बराबर हो जाएगा, फैक्ट बात है, ठीक है, और अगर व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, तो रेट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, ये बिल्कुल गलत है, रेट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करे, ये सब फैक्ट, ये रेट दो ही चीज पर डिपेंड कर, मतलब रेट के फैक्टर ही तीन चार होते हैं, कैटलिस्ट, टेंपरेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेड और कंसंट्रेशन वगैरह, तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट गलत है, एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं होता ऐसे, क्योंकि कुछ कुछ भी हो एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो लो हो टेंपरेचर पर डिपेंड करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर राइज ऑफ 10 केल्विन टेंपरेचर द, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पहले वाले का 38 का, ठीक है, 10 डिग्री बढ़ाने से टेम्परेचर कांस्टेंट डबल हो जाता है, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पजल्स होते हैं ना, जो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करते हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसका जो वो 2 से 3 टाइम्स फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पैरेलल रिएक्शन है जिसका दो K1 K2 दिया हुआ, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, मतलब फॉर परसेंटेज ऑफ बीएमसी पूछा उसने, तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको K इफेक्टिव निकाल लो पहले, तो K इफेक्टिव हो जाएगा K1 प्लस K2, तो K1 की वैल्यू इसने दी हुई है 1.26 10^-4 और 3.8, इसका टोटल एडिशन करेंगे, इसकी जो वैल्यू आती है 1.64 10^-4 वैल्यू आती है 10^-4, तो परसेंटेज ऑफ बी बराबर कितना होगा K1 बाय K इफेक्टिव इनटू 100, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1. कितना है 1.26 है ना, 1.26 10^-4 1.26 10^-4 डिवाइडेड बाय 1.64 10^-4 इनटू 100, तो दैट्स नथिंग बट ये परसेंटेज आता है एप्रोक्सीमेटली आपका 76.83%, 76.83%, तो बाकी का 100 से 76.83% है, सब्ट्रैक्ट करो दैट बात की ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 23.70 76.83%, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और बोल सकते बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। 41 क्या बोला, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन has been studied by titrating the liberating acetic acid against the sodium hydroxide, ठीक है, the concentration of the ester at different time आपको दिया हुआ है, ठीक है, it follows a pseudo first order reaction, ठीक है, मतलब it follows a pseudo first order, R is equal to K ester और water, ऐसा था already बोल दिया है कि water nearly remain constant, तो इसका मतलब ये जो होगा KDS बराबर में क्या लिख सकता हूँ K of H2O ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब जो टेबल दिया होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टाइम पे, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिया होगा ln 1 by t ln c नॉट by c t, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसने कंसंट्रेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या इस टेबल से आपको क्या निकालना था, k निकालना था, तो k का ऑन एन एवरेज वैल्यू आता है 2.004, ये वैल्यू आएगी जब आप ये दो दो बार डाटा मैच करोगे ना,
तो k का वैल्यू 2.004 आ जाएगा। चलो ठीक है, k का वैल्यू 2.004 आ गया और ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा जो k डैश की वैल्यू जो होगी आपकी, ठीक है, k डैश का वैल्यू होगा k डैश इनटू H2O, k इनटू H2O, ये वैल्यू किसके बराबर होगा 2.004। और k डैश की वैल्यू है एवरेज, है ना, k डैश हमेशा एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, और इनटू 55 इज इक्वल टू 2.004। तो k की जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 3.64 10 to -5, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाली, गिवन डाटा से, फिर से समझा रहा हूँ मैं, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो जो कंसंट्रेशन जो दिया हुआ, जो मुझे टेबुलर फॉर्म दिया वो सीनोट बाय सिटी के फॉर्मेट में दिया, मतलब यहाँ पे ईस्टर और ये तो क्या हो जाएगा, k डैश के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, पहले k डैश की आपको क्या निकाल लेना, k डैश की वैल्यू निकाल लेना, सॉरी ये जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होगी वो k डैश का वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। तो k डैश को आप इसके बराबर करो k into z, जो ये आपको क्या देगा, आपको 3.64 वैल्यू दे देगा। तो दैट्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 आपने कर लिया होगा, आई होप सो, तो इसमें मैं बता रहा हूं स्ट्रेस ना, कुछ आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, इन रिएक्शन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन वाज मेजर्ड एट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं। 43 थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। 43 ये था कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जनरली हम क्या बोलेंगे, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ऐसा माना। तो पहला गिवन डाटा था 5.07 10 to -5, को बराबर कर दिया मैंने k 0.2 का पावर x और 0.3 का पावर y डिवाइडेड बाय k 0.2 का पावर x और 0.1 का पावर y और 5.07 10 to -5, ठीक है, 3 का पावर y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। तो पहला आपको b का विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पता चला। अब सेकंड वाले का बात करूँ, 5.08 10 to -5, वो बराबर करोगे आप किसके साथ, k 0.2x, 0.2 का पावर x और 0.1 का पावर 0, क्योंकि इसका तो ऑर्डर आपको पता है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 1.43 10 to -4, 1.43 10 to -4 k की वैल्यू इनटू 0.4 का पावर x और 0.1 का पावर 0। दिस कैंसिल तो एप्रोक्सीमेटली यहां से आ जाता है 2.8 इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो log 2.8 बराबर क्या हो जाएगा x log 2, तो x की वैल्यू यहां से एप्रोक्सीमेटली आती है 1.5। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आपका कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो 44 आसान क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर 1.95 10 to -4, ये आपने कर लिया होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का अच्छा क्वेश्चन था, सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड इनटू अ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, टी हाफ उसने दिया है, व्हाट फ्रैक्शन सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेंस आफ्टर 8 आवर। तो कुछ नहीं, पहले आप क्या कर लो हाफ के कैलकुलेट करो, तो 0.693/3 आवर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, ये जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0.231, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1/t ln a0/at, तो k बराबर 0.231 इज इक्वल टू 1/8 ln, कितने टाइम पे बचेगा a0/at, तो ln a0/at का जो वैल्यू आता है, ln a0/at का वैल्यू आता है 0.8024, a0/at का वैल्यू आता है, इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये जाएगा 6.345, और ए नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई इसने, इनिशियल कंसंट्रेशन या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेंस आफ्टर, अच्छा फ्रैक्शन ही उसने पूछा ही है मेरे से, सॉरी उसने मेरे से क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, तो 6.345 आपका क्या हो जाएगा, अच्छा तुम्हें आंसर ही नहीं दिया हुआ सर, वो सदस्य जो
एप्रोक्सीमेटली आंसर सी आएगा, जिसने लॉग की वैल्यू पूछी है, तो ये 8.024 आएगा आंसर, 8.024 आंसर आता है इसका। एक बार कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 46 की, ठीक है, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू रेट्स R1 R2 शोन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है R1 R2, ठीक है। R1 R2 का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, केस 1 के लिए किसी भी लिए केस RPA एलिमेंट्री रिएक्शन बोला तो PB स्क्वायर हो जाएगा, तो केस 1 जो मेरा होगा R1 बराबर K 6 का क्या हो जाएगा, 6 * 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, तो दैट्स अबाउट 384 के आ जाएगा मेरा R1, और R2 बराबर कितना हो जाएगा K इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट्स अबाउट आ जाएगा 24 के आ जाएगा। तो R1 बाय R2 की वैल्यू हो जाएगी 384 के बाय 24 के, तो दैट्स समथिंग बट ये आ जाएगा 16 आंसर, कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ूं, क्या बोलो, फॉर अ गिवन एक्स एंड टेंस टू बी द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द लॉग टी हाफ एंड लॉग हाफ लीड्स टू एन एंगल 315 डिग्री, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको निकालना है। कुछ नहीं है, आपको पता है टी हाफ, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, ये फॉर अ गिवन रिएक्शन, हां ठीक है, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग हाफ, तो इसका मैं बात करूं तो लॉग टी हाफ को मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूं, लॉग टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस 1 माइनस n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 माइनस n स्लोप जो है वो 10 315 दिया हुआ, दैट्स समथिंग बट माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है 2xy, ठीक है, मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म को, कि मान लो ये रिएक्शन है x2 + y2 tends to twice of xy, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एक कांसेप्ट दिया था जो आपको मैं बताता हूं, देखता हूं कितने बच्चों को याद है, x + x, ठीक है, ये फास्ट है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन आपको दूसरा स्टेप दिया हुआ है x + y2 tends to give xy + y, ये हो जाएगा स्लो, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है वो है x + y tends to give xy, ये आपका फास्ट है, ठीक है। रेट का एक्सप्रेशन आपका जो आएगा k x का पावर ये y2 हुआ, ठीक है। आपका काम क्या होगा, इस x को हटाना, तो मैंने आपको जब भी बोला कि अगर इस टाइप पे ये जो दिया हुआ है जो फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट का, वो वाली स्टेप आप इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली मान लो, तो k इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा वो ऑब्वियसली इस तरीके से होगा x का स्क्वायर बाय x2, तो इसका मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होगा ये फास्ट स्टेप नहीं होगा, स्लो ही स्टेप होगा, हालांकि उसने दे दिया होगा बात अलग है,
बट जब भी नहीं दिया जाए तो जब भी जहां इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है उस स्टेप को हमेशा इक्विलिब्रियम वाले स्टेप मान लो। x स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको मैंने लेक्चर के दौरान भी ये चीज बताई थी, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा k k का पावर हाफ इंटू के एक्स टू का पावर 1/2 और इंटू वाई टू। ठीक है, उसने क्या पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आपका जो दिया हुआ है स्पेसिफिक रेट दिया हुआ 10^-2 सेकंड, तो बोला कितने टाइम पे 20 ग्राम से 5 ग्राम पे जाएगा, कितने टाइम पे 20 ग्राम से 5 ग्राम पे जाएगा। तो 49 की बात करूं मैं तो t हाफ बराबर कितना हो जाएगा 0.693/10^-2, तो दैट मतलब 69.3। ठीक है, कितने और 20 से अगर मैं एक t हाफ लेता हूं तो 10 चला जाएगा, दूसरा t हाफ लेता हूं तो मैं 5 चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ t हाफ में 5 ग्राम चला जाएगा मतलब 2 × 69.3, तो दैट्स नथिंग बट 6 8 13.38.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ रिएक्शन इज 25 केल्विन टू व्हाट टेंपरेचर शुड इट बी रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन ऑन ऑर्डर दैट रिएक्शन रेट इज इंक्रीजेस बाय 10 टू फैक्टोरियल। तो ये मेरे हिसाब से आप कर लोगे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता देन यू कैन आस्क मी, बट बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सो यहां तक आपको सारे डाउट्स समझ में आएंगे, फिर आपको नहीं आता यू कैन पर्सनली कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।